नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्मर चॉइस यूट्यूब चैनल पर और हमारे इस छोटे से डेयरी फार्म पर। दोस्तों, अभी के टाइम पर मैंने अपने फार्म पर एक छोटी सी और बहुत अच्छी चीज़ लगाई है, जो कि इस तरफ से रास्ते से अगर कोई भी लोग जाते हैं तो पूछते हैं कि ये आपने क्या लगाया है। और मैं आपको बताता हूँ, देख सकते हो, अब यहाँ पर है, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, और कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक छोटी सी नीम की लकड़ी है, जैसे कि आप देख सकते हो ये। और मैंने यहाँ से इसे तार से बांध रखा है, ये देख सकते हो, अब ये यहाँ पर तार है और यहाँ पर मैंने इसे बांध कर रखा है। और ये देख सकते हो कुछ इतनी बड़ी लकड़ी है और ये पानी के अंदर रहती है दिन भर। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या है, और अगर आपको अभी पता चल गया है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और फिर नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारा ये यूट्यूब चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, पास वाली घंटी दबाएं, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से करें। किसान भाइयों, ये जो लकड़ी आप देख रहे हैं, ये मैंने इसलिए लगाई है, ना तो इससे आपके जो पशु है वो ज़्यादा पानी पियेंगे, इससे कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। सिर्फ इतना इफ़ेक्ट पड़ेगा क्योंकि हमारे फार्म पर बहुत ज़्यादा गिलहरी रहती है। आप यहाँ पर भी देखोगे, इस तरफ भी बहुत सारे पेड़ हैं, और उस तरफ देखोगे तो उस तरफ भी पेड़ है, तो वहाँ से गिलहरी पानी पीने के लिए आती है। अक्सर हमारे फार्म पर इस तरफ से यहाँ आती और यहाँ से वो चढ़ के यहाँ पर पानी पीती है, तो कई बार गिलहरी इस टब के अंदर गिर जाती है। इसके अंदर गिरने के बाद, क्योंकि अगर ये खाली रहेगा तो उससे निकलाएगा नहीं, अगर इतनी रहेगा भरा हुआ तो उससे कभी नहीं निकलाएगा, तो इसीलिए मैंने लकड़ी लगा के रखी है। जैसे ही पानी का लेवल नीचे जाता रहेगा, ये लकड़ी भी धीरे धीरे करके पूरी नीचे चली जाएगी, तो इसीलिए मैंने अपने फार्म पर ये लकड़ी लगाई है, देख सकते हो, और काफ़ी बढ़िया है। वहाँ पर भी आप देखोगे अगर, तो वहाँ पर भी मैंने एक लकड़ी लगा कर रखी है, देख सकते हो, वो वहाँ पर बड़ा प्याव हुए इसलिए मैंने वहाँ पर लगा के रखी है। बाकी उस तरफ हम पानी रखते हैं पर उस तरफ गिलहरी जाती नहीं है, वहाँ पर भी हमने पानी का एक छोटा सा बर्तन रख रखा है पर उस तरफ ज़्यादा जाती नहीं है, इसलिए यहाँ पर आती है। और मेरे साथ में यहाँ पर दो तीन बार मैंने ऐसे देखा है कि इसके अंदर गिलहरी गिर गई थी, तो तभी के बाद मैंने ये वाली लकड़ी यहाँ पर लगा दी है, देख सकते हो। और बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई इतना खास नहीं है, सिर्फ मैंने बांध के रखा है, पर लोगों को ऐसा लगता है कि इस चीज़ से कुछ होता होगा, या फिर इससे जो हमारे बछड़े हैं या फिर गाय हैं भैंस हैं वो ज़्यादा दूध ज़्यादा पानी पीते हैं तो उनकी सेहत अच्छी रहती है, तो ऐसा काफ़ी लोगों को लगता है, बाकी कुछ ऐसा है नहीं। और इसीलिए मैंने लकड़ी लगाई ताकि हमारे फार्म पर गिलहरी बच सके, और इतनी गिलहरी मैं आपको कभी बताऊंगा वीडियो में, बहुत सारी रहती है। और ये देख सकते हो कुछ इस तरह का फार्म है, और उस तरफ भी पूरा बन चुका है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और अभी तो ये देख सकते हो सारे बछड़े यहाँ पर हैं। तो दोस्तों, यही इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये हमने अपने फार्म पर लगा रखा है। और दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और फार्मर चॉइस आप इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे तो हमारी आईडी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आप कोई भी आपका सवाल हो तो वहाँ पर आप हमें ज़रूर से पूछें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, लाइक एंड शेयर ज़रूर से करें, और मैं मिलता हूँ हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।